पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाते ही कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को बड़ा तोहफा दिया है। हाईकमान ने एक 5 सदस्य टीम का गठन किया है जिसमें दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले टीम में शामिल करने से साफ हो गया है कि AICC में दिग्विजय का कद फिर से बढ़ गया है। सतना के नेशनल हाईवे 30 पर एक अज्ञात वाहन ने सब इंस्पेक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है। उस व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर अंकित सिंह और साथी SI हेमंत शर्मा दोनों ढाबे में खाना खाकर बाइक से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर चोट लगने से सब इंस्पेक्टर अंकित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। भारत में कोरोना के चलते हो रही मौतों की संख्या 17 अगस्त को 50,000 के पार पहुंच गई। भारत में कुल केस और आबादी के अनुपात में मौतों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से भारत में मौतों का आंकड़ा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि ग्वालियर चंबल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले 6000 करोड़ की लागत के 394 किलोमीटर लंबे चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस प्रोग्रेस वे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर जन भावनाओं का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से 400 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मौतों के आंकड़ों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। इसी बीच आज BJP नेता संजय श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। बिहार में कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू कर लिया गया है। इसके पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बस संचालकों की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही है। यातायात संघ ने बस संचालन को लेकर शर्तें तो सरकार के सामने रख दी है, लेकिन शासन उन शर्तों पर अमल करेगी इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब संघ कर्मचारियों ने कलेक्टर दफ्तर की ओर कूच किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय रक्षा से जुड़ा कोई उद्योग लगने जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। अब जल्द ही एटमास्टको लिमिटेड नाम की कंपनी राज्य में अपना प्लांट स्थापित करेगी। इस कारखाने में थल सेना, BSF, CRPF, राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने का काम किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 87.50 करोड़ रुपए लगा रही है। 150 लोगों को यहां रोजगार भी दिया जाएगा। JDU के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक सोमवार को राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर रजक ने कहा कि नीतीश कुमार केवल अफसरों की सुनते हैं। पार्टी के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अक्सर घातक मिसाइलों और हथियारों की बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इन दिनों देश में खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने अनाज खरीदने या खेती को बढ़ावा देने की बजाय कुत्तों की जान लेने का फरमान भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश के 22 जिलों में नए कार्यालयों का शिलान्यास करने जा रही है। 20 अगस्त यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर नए कार्यालयों का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वेबिनार के माध्यम से शामिल होंगे। नए भवनों को राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत से लोग डरे हुए हैं। इसी बीच कोरोना वायरस से जुड़ी एक और खबर मलेशिया से आ रही है, जो शायद आपकी परेशानी और बढ़ा सकती है। दरअसल मलेशिया में कोरोना वायरस के एक और नए प्रकार का पता लगाया गया है, जो कि आम कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। इस तरह के वायरस विश्व में कई जगह पाए गए हैं। इनका नाम वैज्ञानिकों ने D614G रखा है।